नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के उस हर विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी पंचकूला पहुंचे और नव चयनित टीजीटी को उन्होंने सम्मानित किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा नायब सैनी सरकार के प्रयासों से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी बीच सरकार अपना वादा भी पूरा कर रही है। सैनी सरकार ने 7,765 टीजीटी को नौकरी दी है और सीएम नायब सैनी नव चयनित टीजीटी शिक्षकों को सम्मानित करते नजर आए। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के दी गई। मुझे फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे। हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरिये बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी। वो भी बताने का काम करें और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर, ये मैं इस साल की बात बता रहा हूं, मैं पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1,131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा का रोड मैप तैयार किया है, जिसका कारण है कि हरियाणा के जन जन तक लाभ पहुंच रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस गति से मनोहर लाल जी काम को बढ़ा रहे थे, उस गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल किया जाए। इंटरव्यू ले रहा, उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है, कोई समझौता नहीं है। मैं आज बड़े विश्वास के साथ, इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटमेंट बच्चे हमारे आए हैं, एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है,
ये उसकी पीछे की तपस्या है। अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने आपको चंडीगढ़ में बुलाया है। आप किसी भी हरियाणा के कोने से चले हैं, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों के अंदर आया है, ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। चयनित शिक्षक ने भी इस दौरान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिना पर्ची खर्ची के सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। हमारी भर्ती हुई है, ये बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, पिछले साल की 2023 की है सर ये, और एक साल में भर्ती की जो सारी प्रक्रिया भी की है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया सर। किसी भी एक कैंडिडेट का 1 रुपया नहीं लगा सर, बिना पर्ची खर्ची के। और सर इतनी जल्दी इतिहास में पहली बार हुआ किसी टीचर को कि दिन के दिन एक रिजल्ट निकालने के एक दिन के साथ ही ज्वाइनिंग दे दिया सर। बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा हम इतने 75 परिवारों पे उपकार किया सर। मैं सीएम नायब सैनी लगातार प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवा, गरीब और किसान का भला करना ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास है, और इस पर नायब सैनी सरकार काम कर रही है, जो कि धरातल पर लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट को बयां भी करता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है।